ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मासूम बेटी को दिलाया मोबाइल, मनचलों ने फेसबुक पर दोस्ती गांठ किया गैंगरेप। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिलाया गया मोबाइल एक बार भी कक्षा की छात्रा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। 2 माह पहले ही छात्रा से एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती की और जाल में फंसाने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा से गैंगरेप किया। यह सनसनीखेज वारदात प्रताप नगर थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता 15 वर्षीय छात्रा की मां ने प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। अनुसंधान अधिकारी एसीपी कैलाश बोरा ने बताया कि 2 माह पहले 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद युवक ने छात्रा से उसके घर का पता पूछा और जयपुर में रहने की जानकारी मिलने पर युवक ने खुद को प्रताप नगर निवासी होना बताया। फेसबुक पर बातचीत के दौरान छात्रा ने सांगानेर में कोचिंग में पढ़ने जाना बताया। इस पर आरोपी 20 अगस्त को कोचिंग के बाहर कार लेकर पहुंच गया, छात्रा को कार में बिठा लिया और एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में ले जाने के लिए दबाव बनाया। छात्रा ने इनकार करने पर उसे कुछ देर में वापस छोड़ने की कहकर प्रताप नगर स्थित एक फ्लैट में ले गया। यहां पर पहले से आरोपी युवक के 2 दोस्त उपस्थित थे और शराब पार्टी कर रहे थे। आरोपियों ने छात्रा को शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, इसके बाद उससे गैंगरेप किया। बाद में आरोपी युवक छात्रा को कोचिंग के पास छोड़ गया। महामारी आने की समझ शक नहीं किया, पीड़ित छात्रा व घर घुस पहुंची। उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। मां ने बताया कि महामारी आने की शंका पर बेटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटी पूरी रात दर्द से कराहती रही। तब कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई। अगले दिन बेटी को प्यार से पूछा तो वह लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और आप बीती बताई। तब माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। काम पर गए पिता को घर बुलाकर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस को आशंका है कि युवकों की गैंग है जो मासूम बच्चियों को फंसा कर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।